विस्तार से पहले मोदी सरकार ने किया नए मंत्रालय का गठन। अलग से बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को करेगा मजबूत। आज शाम हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। विस्तार से पहले होगी कैबिनेट बैठक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी। 26,959 लोगों को मिलेगा रोजगार। 2030 तक राज्य को स्टील हब बनाने का रखा लक्ष्य। 25 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, कोरोना नियमों के साथ कराई जाए यात्रा। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान कर रहा अफगानिस्तान पर कब्जा। भारत ने लिया अपने भारतीय अफसरों को वापस बुलाने का फैसला। जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण पश्चिम शहर अताम में भारी बारिश। भूस्खलन से 7 लोगों की मौत और 20 लोग लापता। ब्रिटेन में मिले वैक्सीनेशन से अच्छे रिजल्ट। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर खत्म हो सकती है पाबंदियां। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज का इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहुंची टॉप पर। एक और भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक में मिली एंट्री। भारत के गोल्फर उदयन माने और अनिर्बन लाहिरी को मिला ओलंपिक टिकट। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म 13 अगस्त को की जाएगी रिलीज।